हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। As you appreciated the role of security agencies and intelligence agencies, so do we also do appreciate their efforts. मेरा जो question है वो ये है about the grievances of one movement, well known as Pashtun Tahaffuz movement. उनके ये concern है कि फाटा में जो आप लोगों ने mines लगाए वो clear नहीं किए, जिसकी वजह से उनके कोई 85 से ज्यादा के लोग माजूर हो गए, और उसके अलावा हर दो कदम के बाद सिक्योरिटी चेक पोस्ट है जहां पे खवातीन के साथ नारवा सलूक किया जाता है, बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकते वहां पे, इस तरह के सिक्योरिटी के हैं। आप जब पिक्चर पेश करते हैं इट्स ऑल ब्राइट, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग जो हैं, वो बच्चे जो हैं पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के, अभी 8 अप्रैल को पिशावर में बहुत बड़ा कन्वेंशन भी करने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके पीछे कुछ फॉरेन एलिमेंट जो है वो फंड कर रहे हैं। आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या उनके पास ऐसी कोई इतलात हैं कि इस जो पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट जो पूरे मुल्क में इस वक्त काम कर रही है उसके पीछे इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जिस मूवमेंट की आप बात कर रही हैं, पहले तो इसका नाम ही थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछले 10-15 सालों में हमने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, एसेंशियली उसका ट्रिगर जो अफगानिस्तान से था और बॉर्डर चूंकि साथ फाटा और केपी करता था, तो जितनी बहादुरी कुर्बानी पूरे पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फौज ने दिखाई है, वो एसेंशली जो है वो उस इलाके की सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसी हिसाब से थी। आपने कहा कि जब आप मुझे सुनते हैं तो आपको रोजी पिक्चर लगती है और जब आप उनको सुनते हैं तो चीज़ डिफरेंट है। आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू इफ नॉट ऑल यू हैव गॉन फॉर योर सेल्फ एंड सीन के इस वक्त फाटा और केपी में क्या सिचुएशन है, और अगर आप ना भी जाएं, ना भी देखें, तो इस वक्त तो मेरे पास वो ग्राफ्स नहीं है, बट विल शेयर इट विद यू कि क्या जिस तरीके से वायलेंस फाटा में और केपी में थी और पूरे पाकिस्तान में थी, क्या वो वायलेंस आज वैसे ही है? यस, आई डू हैव फ्यू स्लाइड्स कि क्या उस इलाके में फाटा और केपी में फौज पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या क्या किया है। और ये बड़ी दफा बातचीत हो चुकी है, ड्रा योर अटेंशन, ये आप देखिए कि कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो फाटा केपी में हुए हुए हैं। जैसी सड़कें, जैसे हॉस्पिटल, जैसे स्कूल, जैसी फैसिलिटीज इस वक्त फाटा केपी में मौजूद हैं, आपने देखा है वो इस वक्त शायद मुल्क के बाकी हिस्सों में भी उससे कम है। सदरन पंजाब देख लें, इंटीरियर सिंध देख लें। तो जहां तक बात है फाटा के अंदर डेवलपमेंट वर्क की और सिक्योरिटी की, तो वो तो जो हम आपस में देखते हैं मिलके पिक्चर वही है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप सब ने इसको कवर किया है कि जो इशू है ये शुरू हुआ था डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, नकीब महसूद के किलिंग की वजह से हुआ था, और नकीब महसूद की किलिंग जो है वो किसी भी जिम्मेदार पाकिस्तानी ने उसको जस्टिफाइड करार नहीं दिया। सो आर वी, किसी भी पाकिस्तानी का बेहक मारा जाना वो मुनासिब नहीं है। उसके ऊपर एक प्रोसेस चला, रावनवार की रेस्ट का उन्होंने मुतालबा किया, ही वेंट मिसिंग, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। वी ऑल्सो एज एनी अदर पाकिस्तानी वुड लाइक कि जो नकीब मसूद की किलिंग है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, केस कोर्ट में है, और उसमें जो कानून के मुताबिक सजा है जिम्मेदारों को वो मिलनी चाहिए। लेकिन वो इशू तो उधर हल हो गया, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ये इसको डिफरेंट एंगल्स मिलने शुरू हो गए, और सबसे ज्यादा सपोर्ट भी इसको अफगानिस्तान से मिलने शुरू हो गए, डिफरेंट वॉइस आनी शुरू हो गई। मैं मंजूर पश्तीन से खुद मिला हूँ, वंडरफुल यंग बॉय इधर आया था, उसके बाद उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई। तो जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स थी, जो इमीडिएट होने वाली थी, और वो तो पूरी भी हो गई, वतन कार्ड का अनाउंस कर दिया। जहां तक चेक पोस्टों की बात है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन मैं आपको जरूर बता दूं, इंसिडेंटली आई वॉज इन सम मीडिया हाउस यस्टरडे, मैं उस मीडिया हाउस में गया तो गेट के ऊपर उनकी एक चेक पोस्ट थी, आई वेंट थ्रू दैट चेकिंग, आई वेंट इन साइड, और वहां पर जिनसे मुलाकात हुई कुछ यंगस्टर थे, तो उन्होंने मेरे से यही सवाल पूछा। तो मैंने उनसे कहा कि व्हाई आर यू हैविंग दिस चेक पोस्ट एट योर गेट, दे सेड के सर एनवायरमेंट ऐसी है, थोड़ी सी थ्रेट है। तो मैंने कहा देखें, अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन में रहते हुए, एक प्राइवेट अदारा होते हुए, आपने एक प्राइवेट गार्ड भी खड़ा किया है
और एक सिक्योरिटी की अरेंजमेंट की है, तो व्हाई डोंट यू रिमूव इट? तो जो चेक पोस्टें लगी हुई हैं पूरे मुल्क में, पहली बात तो यह कि उतनी चेक पोस्टें रह नहीं गई जितनी पहले थी, और जैसे थ्रेट होती है, एक सिंध का सिपाही, एक बलूचिस्तान का सिपाही, एक पंजाब का सिपाही, क्योंकि सारे फौजी हैं, एक यूनिफॉर्म पहनती है, वो पाकिस्तानी, वो सड़क पे खड़ा है और किस लिए खड़ा है? वो अपने तहफ्फुज़ के लिए तो नहीं खड़ा, वो अवाम के तहफ्फुज़ के लिए खड़ा है। मैंने उनको ये कोट किया कि आपका जो प्राइवेट गार्ड है ये अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं खड़ा चेक पोस्ट के ऊपर, ये तो आपकी जान बचाने के लिए खड़ा चेक पोस्ट पे, और अगर आप समझते हैं कि थ्रेट नहीं है इसको हटा दें तो फिर हटा दें। ना शौक से पोस्टें रखी हैं और ना ही उधर रहना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें थ्रेट को पूरा हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आज अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाए, हमें इंटरनल थ्रेट अभी अल्लाह के शुक्र से बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, लेकिन आज हम उधर से अपनी फोर्सेस बॉर्डर से हटा लें, 200,000 हटा सकते हैं अगर अफगानिस्तान से हमें थ्रेट ना हो, आपकी सारी सेंचुरीज उधर हैं। तो मेरी आपके थ्रू अवाम से ये रिक्वेस्ट है कि ये चेक पोस्टें लगी हैं, ये आपके तहफ्फुज के लिए लगी, थ्रेट सबसे पहले उस सिपाही को है, ख्वाह पुलिस का है, ख्वाह फौज का है, जो चेक पोस्ट पे चेस्ट आगे करके आपके लिए खड़ा है। उन्हीं को मैंने कहा आप जाएं रास्ते में, जो चेक पोस्ट पे आपका प्राइवेट गार्ड खड़ा है उसको जरा गाली दे के चले जाएं, अगले दिन आएगा नहीं नौकरी पे। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो चेक पोस्ट हैं ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म का हिस्सा हैं, और जब आपको थ्रेट होती है तो उस थोड़ी सी इनकन्वीनियंस को, बहुत बेहतर है पहले से हालात, तो इस डेवलपमेंट वर्क को देखें। मेरी आपको भी खुली ऑफर है, अब तो वैसे भी सड़कें खुल गई हैं, गो एंड सी इट फॉर योरसेल्फ के फाटा और केपी में इस वक्त डेवलपमेंट में क्या हालात है। यस, इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट होगी जब फाटा की मेन स्ट्रीमिंग का इशू हल हो जाता है। फाटा की मेन स्ट्रीमिंग जब होगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि इस वक्त अगर उनको 27 बिलियन रुपीज पर एनम मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो एडिशनल 90 बिलियन रुपीज पर एनम मिलेंगे फॉर 10 ईयर्स। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ कपूर मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 7 बड़े दहशतगर्द ग्रुप्स खत्म कर दिए इंटेलिजेंस बुनियादों पर, 16 खुदकुश हमलावर गिरफ्तार किए, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मुल्क पे 23 ऑपरेशन किए, शक की निगाह से देखा गया तो हमारी कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। डीजीआईएसपीआर ने यह भी कहा कि पंजाब में रेंजर्स ने मुख्तलिफ अजला में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किए, उम्मीद है कि आइंदा भी पीएसएल मैचेस रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी हो सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया पर खबर चली कि वजीर आला पंजाब की आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें छुपकर हुई और ऐसी इतलात में कोई सदाकत नहीं है। वजीर आला की जानिब से कहा गया था कि जो विफाकी हुकूमत की माली मुआवनत है उसमें सूबे भी अपना हिस्सा डालेंगे। इस मौके पर मेजर जनरल आसिफ कपूर ने यह भी कहा कि कराची में जो होटल ऑक्यूपेंसी है वो 100% हो चुकी है और बाजवा डॉक्ट्राइन का ताल्लुक उन तमाम उमूर से है जो कि एक आम पाकिस्तानी भी महसूस करता है, एक आम पाकिस्तानी की भी अमन की ख्वाहिश है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि शुमाली इलाका जात पे फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में जो चेक पोस्ट हैं वो अवाम की हिफाजत के लिए हैं।